जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। यह तभी सार्थक होगा जब जम्मू प्रांत की सीटों में इजाफा होगा। मौजूदा स्थिति यह है कि कश्मीर की 46 सीटें हैं, जम्मू की 37 सीटें हैं, और डिलिमिटेशन की मांग ही इसलिए की गई थी ताकि जम्मू खित्ते की सीटें बढ़ें और रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो, कश्मीर कोश का हिस्सा मिले, जम्मू कोश का हिस्सा मिले। जम्मू की सीटें जब बढ़ती हैं तभी यह मुमकिन हो पाएगा। न केवल असेंबली में जम्मू की सीटों में इजाफा होना चाहिए बल्कि पार्लियामेंट में भी बराबरी की हम मांग करते हैं। पार्लियामेंट की 2 ही सीटें हैं जम्मू प्रांत की, जबकि कश्मीर में 3 पार्लियामेंट की सीटें हैं। इसमें भी बराबरी होनी चाहिए ताकि सही मायने में पॉलिटिकल इंबैलेंस को एड्रेस किया जा सके। और साथ ही साथ जो पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई हैं उसमें से 8 सीटें यहां सेटल हुए पीओके के माइग्रेंट्स को देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने बार बार किया। हम उम्मीद रखते हैं कि उनको भी अपना हिस्सा जो है वो मिलेगा और इन पहलुओं को एड्रेस करके ही डिलिमिटेशन सही मायने में जम्मू कश्मीर के अंदर सार्थक हो सकेगी, मीनिंगफुल हो सकेगी। वरना अगर आपको सिर्फ एक महज फॉर्मेलिटी को पूरा करना है तो जम्मू के लोगों को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उम्मीद है कि असेंबली और पार्लियामेंट की दोनों की सीटों को जम्मू प्रांत में बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा।